बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद करूंगा कि सब लोग अच्छे हैं और आनंद है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला सवाल, क्योंकि नंबर सिस्टम पर हमारा काम हम बता रहे हैं, नंबर सिस्टम हमें लगातार पढ़ाए जा रहे हैं और एक एक स्टेप से आपको हम समझाते जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, 20 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 20 टू 90? और ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी के बीच में प्राइम नंबर्स निकालने हों तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको काउंट करना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो या 11 होगी कि नहीं होगी, 13 होगी कि नहीं होगी, 15 होगी कि नहीं होगी। ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला 44 22 322 321। अब ये क्या शो करता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला शो करता है कि जो भी संख्याएं आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला बताता है कि 1 से लेकर 10 तक 4 संख्याएं आती हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 संख्याएं आती हैं, 21 से लेकर 31 तक 30 तक 2 संख्याएं आती हैं, 31 से 40 तक 2 संख्याएं, 41 से 50 तक 3, 51 से 60 तक 2, 61 से 70 तक 2, 71 से 80 3, 81 से 90 2 और 91 से 100 तक 1 संख्या। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बना है। मैं क्लास लेता हूं शाम को 7:30 बजे प्रिया, ओके? तो बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं 44 22 322 321, 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं इसमें आ जाती हैं। उसने बोला 20 से 90 तक। अब 20 कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से ना भाई, 20 से तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना। तो आपको ये संख्या नहीं लेनी 1 से 10 तक, 11 से 20 तक भी नहीं लेनी, 21 से 30 ये भी लेनी है, 41 से 50 60 70 80 90 और 90 से 100 आपको नहीं लेना है। तो यानी आपके सामने कौन सी संख्या बची? सिर्फ ये वाली। तो जोड़ दो इनको, 2 और 2 4 3 7 2 9 और 2 11 और 3 14 और 2 16। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 18 नहीं होंगे, 16। तो टोटल आंसर क्या? 16। तो यानी 20 से लेकर के 90 तक टोटल 16 अभाज्य संख्याएं आती हैं। क्लियर है? बी इज नॉट द राइट आंसर। राइट ऑप्शन बिल्कुल सही कहा राम अवतार आपने, 16 इज द राइट आंसर। तो याद रहेगा कोड, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप ऐसे गिनेंगे कि 1 से 10 तक 1 हो 3 होती है 5 होती है 7 होती है 2 होती है तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन सवालों को हल करने के लिए हमने क्या बताया, 44 22 322 321 जो 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं की संख्या आपको बता देता है। टोटल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? टोटल काउंट करोगे तो 25 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। और 51 से 100 तक कितनी होती है? 10। इस तरह से ये बटी होती है। कोई बात नहीं है, अभी आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक और सवाल, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 119 द रिमाइंडर इज 19। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? बड़ा आसान सवाल है। देखो इसका मतलब क्या है, कोई एक संख्या है जिसको आप 119 से डिवाइड करते हो तो 17 आपका 19 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग करोगे, अब देखो 17 जो है पूरा 119 को काटता है, यानी जो संख्या 119 से कटेगी वो 117 से भी कटेगी। तो हम क्या करते हैं, सीधा हम शेष में ही डिवाइड कर देते हैं। राइट ऑप्शन, आप मुझे फॉलो कर लेंगे सारे नोटिफिकेशन आएंगे, आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आएंगे प्रिया, डोंट वरी। तो राइट ऑप्शन क्या है? इट्स 2। क्यों भाई? किसी संख्या को आपने 119 से भाग किया तो जो संख्या 119 से कटेगी वो 17 से भी कटेगी। तो यहां तक जहां तक 119 काट रहा था वहां तक 17 ने भी काटा, रिमेनिंग 19 बचा, क्योंकि 17 छोटा है तो 19 में भाग कर दे। तो राइट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो आप इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जिससे भाग करना होगा उसका शेष में डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। एक और, अच्छा, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? देखेंगे जवाब क्या मिलता है।
व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या ले लो कोई भी, आपने कहा सबसे छोटी संख्या 9 होगी, जिसको 6 से डिवाइड करने पर शेष 3 आएगा, है ना। अब 9 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आपने कहा 81, 81 में 6 का भाग करें तो कितना हो जाएगा, आपने कहा कि भाई 13 छंगा 78 और 3 81, 3 शेष बचाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक संख्या और ले ली, हमने ले लिया इसको 15, अगर 15 में हम 6 का डिवाइड करते तो शेष कितना बचेगा, 3 ना, दूनी बार 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचे 4, 45 और 6 7 42, तो 3 शेष बचाना। तो यानी अगर आप किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं और उसका शेष 3 आता है तो अगर उसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिमाइंडर यू विल गेट बाय 6। राइट ऑप्शन क्या था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर दिया आपने, सी एकदम सही जवाब होगा, कोई गलती नहीं हुई आपके ऑप्शन में। चलिए एक और सवाल फिर आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि एक वर्ष नौकरी करने के बाद वह उसे 98 रुपए और एक शर्ट देगा। वह नौकरी सिर्फ 9 महीने काम करता है, नौकर जो है वो सिर्फ 9 महीने काम करता है तथा एक शर्ट और 65 रुपए प्राप्त करता है, तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। बड़ा सिंपल सवाल है, थोड़ा सा सोचेंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ए पर्सन हायर्स ए सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर वर्किंग ऑफ 1 ईयर ही विल गिव हिम ₹98 एंड 1 शर्ट। दैट सर्वेंट वर्क्स ओनली फॉर 9 मंथ एंड गेट्स ए शर्ट एंड ₹65। देन टेल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शर्ट। तो बड़ा सिंपल सवाल है, कर लेंगे आराम से। तो मैं समझाता हूँ, देखो उसने बोला एक वर्ष मीन्स 12 महीने, क्योंकि यहाँ महीना लिखा है ना, तो मतलब क्या है, अगर वो आदमी 12 महीने काम करता है तो उसे एक शर्ट, मैं मानता हूँ शर्ट की कीमत ₹100 है, मैंने माना कि जो शर्ट है वो ₹100 की है, कितने की, ₹100 की वो शर्ट है, आपने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शर्ट जब ₹100 की है तो अब उसने क्या देखा कि भाई वो क्या प्राप्त करता है, एक शर्ट और 98 रुपये, कितने महीने में, 12 महीने में, तो एक महीने की तनख्वाह आ जाएगी, एक महीने में उसे क्या मिला, उसने बोला। लेकिन वो करता क्या है, वो एक शर्ट और 65 रुपये प्राप्त करता है, कब, जब 9 महीने काम करता है, तो पर मंथ की सैलरी, ये भी एक महीने की सैलरी निकाल रहा है और ये भी एक महीने की सैलरी निकाल रहा है। अगर मैं दोनों को बराबर रखूं तो एक महीने की सैलरी बराबर होनी चाहिए, बस हो गया सवाल। अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 3 9, 3 4 12, 3 की गुणा कर देते हैं 3x प्लस 9 3 27 और 8 3 24 84, 3 8 24, 3 9 27 और 2 9 294 बराबर क्या हुआ 4x प्लस का 4 5 20 और 6 4 24 तो 26 260। अब मैंने इसको उधर भेज दिया, इसको इधर गया, इसको उधर भेज दिया, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू व्हाट, 294 माइनस का 260, तो x बराबर क्या आया 3400 रुपए। राइट ऑप्शन क्या होगा, 3400 रुपए की वो शर्ट है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सबको कैसे हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई वो शर्ट और 98 रुपए दे रहा है 12 महीने के, और वो 9 महीने के लेके गया था तो उसने महीने के हिसाब से दे दिए होंगे पैसे उस शर्ट उसको, तो आपने देखा शर्ट की कीमत निकाल दी आपने कितनी है, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि मैंने एक महीने की सैलरी इससे निकाली, एक महीने की सैलरी उससे निकाली, दोनों को बराबर रख दिया, मेरा आंसर मुझे मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल ले लेते हैं फिर। चलिए यदि संख्या 483728 संख्या 11 से विभाजित हो तो A का मान क्या है, तो देखिए A का मान आपको बताना है। दैट इफ द नंबर 483728 इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ A इज व्हाट, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल शायद सभी को पता है, क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, आप सब जानते हैं कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि इवन प्लेसेस पर आए अंकों का योग माइनस ऑड प्लेसेस पर आए अंकों का योग
जीरो या ग्यारह का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या किससे कट जाती है, ग्यारह से कट जाती है। तो मैं लिख दूं सम स्थानों पर आए अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर आए अंकों का योग। अगर जीरो या ग्यारह आता है तो संख्या ग्यारह से कट जाती है। ये संख्या क्या थी, आपने कहा 4, 8, 3, 2, 7, 8 और 8। तो अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करूं तो ये होंगे ना 8, 1 छोड़कर एक आ जाएगा ना ऑड प्लेस, ये कोई ऑड प्लेसेस भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 संख्या इसमें। तो जितने ऑड प्लेसेस पर थे आपने क्या कहा, तो ये कितना हो गया, आपने कहा 4 + 3 + 7 + 8 8, 7, 15, 3, 18, 24, 22। अब इसको देखिए क्या होगा, आपने कहा इसको मैं दूसरे तरह से ले लेता हूँ, ये क्या हुआ, आपने कहा 1, 2 और 8 यानी 8, 7, 15 + 1 ये तो 15 + 1 अभी दोनों बराबर होने चाहिए तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो आपने कहा ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 8 और 2, 10 माफ कीजिएगा 10 8, 10, 10 तो ये बराबर होने चाहिए, आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 + 1 22 बराबर होना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, आपने कहा 22 - 10 = 12 लेकिन यहाँ तो एक नंबर की डिजिट आएगी, यहाँ तो सिर्फ एक नंबर की डिजिट आएगी तो 12 आ गया। तो क्या करें, अब 12 में 11 का डिवाइड कर दो, एक शेष बच गया, तो राइट ऑप्शन 1 होगा। क्लियर है, तो आप चाहे इसको 1 पुट करके भी रख सकते हो। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तो कोई भी सवाल आपको गलत नहीं होगा, ना ही फंसेगा, और आप आसानी से इसका आंसर करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बता दे, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो सवाल एकदम आसान है और आपने इजीली समझा है, इजीली किया है, तो मुझे उम्मीद है कि किसी की गलती नहीं रही होगी। आगे बढ़े जी, वन मोर क्वेश्चन किया जाए, ओके सब तैयार हैं, तो वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सब लोगों ने अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। चलो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है, पहली 25 सम संख्याओं का योग, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, और एक से लेकर एन तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, ये मैंने तीनों रूल बताए थे। तो शायद आपको याद हो कि जब भी आप प्रथम सम संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो उनका योग होता है क्या, एन इंटू एन प्लस वन, दैट इज योग, एन में एन प्लस वन की गुणा, किसका, सम संख्याओं का। अगर वो विषम का पूछता है प्रथम विषम संख्याओं का योग तो वो होता है एन स्क्वायर, अगर वो पूछता है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ओनली, अगर वो बोलता है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है तो वो होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। क्लियर है, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर दे जोड़, ओके। तो एन कितना है 25, तो 25 × 26 क्योंकि 25 + 26 = 26, तो 25 × 150 और 15 = 65, कितना आना चाहिए, करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आसान है, समझ में आ रही है बातें, इजी सवाल है, आप इसको इजी से कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से करते चले जाएंगे तो आपको कोई भी गणित में मात नहीं दे पाएगा और आप आसानी से अपने सवालों के उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। एक और सवाल लेता हूं आपके समक्ष, ये रहा, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, देखते हैं जवाब। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 357 रिमाइंडर ऑफ 39 इज लेफ्ट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सेशन में बताया था कि भाई आप देखो 17 से डिवाइड करना, 17 से तो ये भी कटता है ना, 17 × 2 = 34, 17 × 1 = 17, तो यानी क्या करना है, सीधा सवाल सिंपल क्या करना है कि आपको 39 में 17 का डिवाइड करना है, तो क्या हुआ 17 × 2 = 34, शेष क्या बचा 5, दैट इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, जी बता दीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते रहिएगा कि सर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए जिससे कि सवाल आप आसानी से कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी इजी, आप इसको समझ भी रहे हैं, वेरी गुड। एक और सवाल लेता हूं फिर आपके समक्ष, ये रहा, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर
क्या बचेगा, लेट्स सी, ए नंबर डिवाइडेड बाय 5 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अभी मैंने आपको बताया था इस तरह का सवाल कैसे करते हैं कि किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, तो संख्या को वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा। सिंपल क्वेरी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पहली संख्या 8 है, 8 में 5 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा 3, अब 8 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा 64, तो 5 से भाग करें तो कितना बचेगा, आपने कहा 4, है ना। ओके और देख लेते हैं, आपने कहा 3 शेष बच रहा था, 13 को 5 से डिवाइड करूं तो 3 शेष बचता है, और 13 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 169, 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4। तो क्या कंडीशन है, हर कंडीशन में अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेष 3 बचता है, लेकिन उसके स्क्वायर को करेंगे तो 4 शेष बचेगा। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, इजीली हैंडल हो रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है। तो भी सेशन को लाइक जरूर करते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, और जिससे कि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में जुड़ें और आनंद से अपने मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन को समझें और आगे बढ़ें। चलिए तो वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1 से 31 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। What is the sum of all even numbers between 1 to 31? ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर even number का sum निकालना हो तो क्या करना है, अगर odd number का sum निकालना है तो क्या करना है, और अगर आपको प्राकृत संख्याओं का ही निकालना है तो क्या करना है। तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, कि मैंने बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, n into n plus 1 upon 2। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, n into n plus 1, और विषम संख्याओं का योग कितना होगा, दैट इज जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो बस। तो पुट कर दें सम संख्याओं का। अब पहले ये बात आई कि 1 से लेकर 31 के बीच में कितनी सम संख्याएं आती हैं, तो याद रखिएगा जब भी सम संख्याओं की बात आएगी किसी भी संख्या में 1 से लेकर, तो आधी इवन और आधी ओड होती है। तो इसमें अगर मैं 31 का आधा करूं तो 15.5, लेकिन हमें पूरी संख्या लेनी पड़ती है, तो यानी 15 इसमें इवन होंगी और 16 होंगी ऑड, क्योंकि 31 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो 15.5 है, तो हमें 15 लेनी पड़ती है क्योंकि पूरी संख्या 15 है, तो 15 इवन होंगी और 31 में से 15 निकला तो 16 ऑड होंगी। तो उसने 15 संख्याओं का योग पूछा है, तो मैं क्या करूं, आपने कहा n इंटू एन प्लस 1 कर दो, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 बराबर 15 × 16, दैट इज वॉट, 15 × 6 = 90, 15 × 15 = 24, 204। राइट ऑप्शन बी, बात समझ में आ रही है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, बहुत ही इजी सवाल है, शॉर्ट सवाल है, आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, ये सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो। और ये इसलिए प्रैक्टिस सेशन रखा गया क्योंकि नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है और आपको वो समझ में भी आ गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको इसी तरह से समझ में आता रहे और अपने सवालों को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। चलिए तो वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 51 + 52 + 53 + 54 + 100 किसके बराबर है, देखते जाओ जी, देखेंगे जवाब क्या मिलता है, 51 + 52 + 53 + 54 + 100 किसके बराबर आता है। तो देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको एस एन से कर लें यानी एपी से, अदरवाइज मैंने अभी क्या बताया था, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लो यहां से यहां तक का, और आपसे बोलूं इसमें से 50 संख्याओं को घटा दो, तो इनका आ जाएगा ना टोटल, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक का निकालूं और 50 संख्याओं को घटा दूं तो मुझे आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, बिल्कुल मिलेगा। तो अभी मैंने क्या बताया था, एन प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो संख्या कितनी, 100 × 101 बटा 2 यानी 50 × 100, तो कितना हुआ 0505। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का टोटल 5050 होता है। अब मैं इसमें से 1 से लेकर 50 तक की 1, 2, 3, 50 तक की संख्याओं का योग निकालता हूं, आपने क्या कर लो तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2,
तो कितना हुआ, 50 मल्टीप्लाई बाई 51 बटा 2, 25 आया। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 50 तक की संख्याओं का सम ये हो गया। तो यानी अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 51 से 100 तक मिल जाएगा ना। तो घटा दे 5 यहां पर, 14 में से 7 गए 7, और 9 में से 2 गए 7, और 4 में गया 3, तो कितना हुआ 3775 इसका सही जवाब होना चाहिए। अश्वनी बी बता रहे हैं, क्यों भाई कोई प्रॉब्लम आई इसमें, लगता नहीं वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। इजी सवाल आप आसानी से कर सकते थे, राइट ऑप्शन ए क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली आपने हैंडल कर लिया। तो अगर आप इसको एसएन से करते यानी आप इसको एपी से करते देन यू हैव टू फाइंड आउट एन, एन तो 50 है ही इसमें, तो मैं उससे भी बता देता हूं आपको, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता आपका। फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये एपी है ना, एक एक का अंतर है, जहां पर ए क्या है प्रथम संख्या, बी क्या है इनके बीच का डिफरेंस, और एन क्या नंबर ऑफ टर्म। तो क्या करें, नंबर टर्म कितने 50 बटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2a, 2 गुना 51 प्लस का 50 माइनस का 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लोगे तब भी इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने बताया वो बेस्ट है, उससे करेंगे तो बहुत जल्दी से सवाल आपका हो जाएगा। हाँ पहला वाला सही है ना, वो अच्छा है, इसमें तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक और, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। तो अब देखो 88 का तो रूल आपको नहीं पता, क्या आपको पता है 88 का रूल, नहीं पता ना, क्योंकि 88 का रूल आपको नहीं पता है, है ना। तो अब किसका रूल निकालें, अब 88 के हम क्या कल बताए थे आपको कि जब आपसे पूछा 88 का रूल तो इसको कोफैक्टर कर लो, आपने कहा सर 8 गुना 11 हो जाएगा, है ना, 8 मल्टीप्लाई बाई 11, क्योंकि 11 88 होते हैं, इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो जो संख्या 8 से कटेगी और 11 से कटेगी वो 88 से भी कट जाएगी। तो अगर मैं पहली बात देखूं तो देखो 9 8 17 9 8 17, भाई 11 का रूल क्या होता है 9 9 8 8, के इवन प्लेसेस प्राइंग और ऑड प्लेसेस प्राइंग दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, तो ये तो कट रही है 11 से। इसको देखें 9 8 4 13 9 8 4 13, ये भी कट रही है 8 8 16 8 8 16, 9 6 15 8 7 15, यानी ये सभी 11 से कटती हैं संख्याएं। तो अब 8 से चेक कर लो, 8 से कौन कौन सी कटती हैं, 8 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। तो आपने देखा क्योंकि 8 के पहाड़े में कभी 8 तो आता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं 8 1 8 18 8 2 16 28 8 3 24, तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि किसी भी 8 के टेबल में 8 नहीं आता मल्टीप्लाई में जी। भाई मुझे बताओ क्या 8 के पहाड़े में, भाई सिंपल देखो 9 9 8 8 आपके सामने लिखा है तो क्या ये 8 से कटता है, तभी तो बात बनेगी। अगर मैं आपसे बोलूं 9 9 8 8 को आप 8 से डिवाइड कर दो तो क्या कटता है, पूरा नहीं कटता ना, जब कटता नहीं है पूरा तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हुआ, आपको 8 से भी तो चेक करना होगा। इसको देखते 944 को 8 से डिवाइड करें तो 8 1 8 बचा 1, 8 1 8 और 8 8 64, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब तीसरे की बात करते हैं, ये तो 8 से ऑलरेडी कट रहा है, ये भी कट जाएगा। 768 को चेक करें 8 से तो 8 तो आता ही नहीं है प्लेस पर, ये नहीं कटेगा। तो आपके सामने दो संख्या आई जो 11 8 दोनों से कॉमन कटती हैं, एक है 9 9 4 4, एक है 8 8 8 8, ये तो दो संख्याएं हैं जी, यही तो दो संख्याएं जो पूरी पूरी कटेंगी। 8 आता है, इसको भी देख लेते हैं 8 से कट जाएगा सर, 8 9 72 4 8 46, 8 9 72 6 4 और 8, ये भी कट जाएगा। तो तीन संख्याएं जो कट जाएंगी 9 7 6, तीनों संख्या कट जाएंगी ना, लेकिन क्वेश्चन क्या है,
अब ये तीनों संख्याएं 88 से कटती हैं, ये भी 88 से डिविजिबल है, ये भी 88 से डिविजिबल है, हाँ वो लिख दिया मैंने, ये भी 88 से डिविजिबल है। जब सारी संख्याएं 88 से डिविजिबल हैं तो मुझे बताओ इनमें से कौन सी लूं। ऊपर देखो क्या लिखा था, बड़ी से बड़ी संख्या, चार अंकों की लार्जेस्ट डिजिट बता दी आपको। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दैट इज दिस वन ना, नौ नौ चार चार, बात समझ में आ गई। तो बड़ी संख्या कौन सी है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो सही समझ के करेंगे तो हो जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यस के नो, इजी था, समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वेरी गुड एंड नाइस, यू डिड वेल। एक और सवाल लेते हैं, क्लियर। एक लड़की को एक संख्या से 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या को 7/8 से भाग कर दिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया, तो संख्या के अंकों का योग कितना है। गुड इवनिंग आकांक्षा, संख्या के अंकों का योग आपको बताना है और देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी, ये तो बड़े आसानी से आप बताएंगे, सब लोग तैयारी करो फिर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, इजीली आप इसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, यस, ओके, सवाल समझे अब, आसान सवाल था, देखो समझ लो, मैंने माना वो संख्या ए, उसको बोला गया कि उस संख्या में 7/8 से गुणा कर दो, उसने क्या काम किया, उसने उस संख्या में 7/8 से भाग कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ 7a/8, और ये क्या हो गया, ये हो गया 8a/7, बात समझ में आ रही है। उसने बोला तो इनका जो अंतर है, जो उत्तर था वो 15 अधिक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपने कहा 15 का डिफरेंस आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई 8a/7 माइनस 7a/8 बराबर 15, तो आप इस कैल से मैंने 56, 7 8 56, 8 8 64 a, माइनस 7 7 49 a, 15, तो क्या करें, आपने कहा 64 में से 49 गए तो बचे कितना, 5 15, तो 15a = 15 multiply by 56, तो यहाँ कर देते हैं इसको आगे, तो ये कितना बचा, आपने कहा a = 15 multiply by 56/15, तो a = 56 आया, तो a का वैल्यू कितना, 56 है, तो उसने बोला इन संख्या के अंकों का योग कितना है, तो संख्या ही 56, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 + 6 = 11, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज 11, क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, उम्मीद है अच्छे से आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को जी, कोई समस्या तो नहीं किसी जाति को, समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, ओके, तो चलो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ और देखते हैं एक और सवाल क्या बताता है आपको, क्या समझाता है। चलिए, यदि संख्या 481 - 673 9 से पूरी तरह से कट जाती है तो हैश के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ें, ये याद रखें वो आपसे क्या पूछ रहा है। इफ द नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ हैश। यस, तो मैं चाहूंगा जवाब मिलेगा आपका क्या मुझे, ओके ओके, लेट्स सी, ओके, यस,
ओके लेट्स सी जवाब क्या मिलता है आपका। यस जी क्या होगा, तो मैं कर दूं, हम कर लेते हैं। ओके यदि संख्या 481 है 673 पूर्णतः 9 से विभाजित हो तो हैश के स्थान पर छोटी छोटी संख्या अभी ओके 7 बहुत अच्छी बात है। देखो 9 का रूल क्या कहता है, 481 ये था हैश, 673 को 9 से अगर हम डिवाइड करें तो रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग की बात हो रही है 9 से कट जाता तो संख्या भी 9 से कट जाती है। अंकों का योग क्या हुआ, 4 + 8 + 1 + 6 + 7 + 3 और ये प्लस का हैश हो गया अपॉन 9, टोटल का कितना हुआ 7 × 3 = 10 और 10 = 20 28 और 29, 29 होना चाहिए ना, 29 + 9 अपॉन 9। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं हैश के स्थान पर, इनमें से क्या रखूं कि ये 9 से कट जाए, आपने कहा 7 पुट कर दो कि 29 + 7 = 36 होता है, 36 9 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, पूरा कट गया तो यानी 7 यू हैव टू पुट एट दिस प्लेस। क्लियर है, बहुत बढ़िया शाबाश गौरी, बहुत बढ़िया जवाब, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, यस के नो डन। आगे बढ़े, ओके ग्रेट, एक और सवाल, संख्याओं 1, 3, 5, 7 .. 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, आपको जीरो की संख्या बतानी है, कि सवाल बड़ा आसान है और मल्टीप्लाइंग द नंबर 1, 3, 5, 7, 25 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द राइट साइड, 1 से 25 तक की आपको बात करनी, तो देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है, 2 0 सही से समझ के करें सवाल को, तो कैसे नहीं भाई, सवाल को सही करने की कोशिश करें तभी बात बनेगी, ऐसे तो दिक्कत करेगा सवाल जी। तो देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा, उम्मीद है कोशिश करो करने की, नहीं तो मैं बैठा हूं करने के लिए। ओके जस्ट ट्राई और देखते हैं क्या मिलता है उत्तर इसका भाई आपकी तरफ से। यस तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके तो शुड आई गिव यू पोल, अगर आप कहें तो मैं पोल कर देता हूं, आप पर डिपेंडेंसी जैसा आप बोलेंगे तो मैं पोल कर देता हूं आपके लिए और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। बोलते हैं होते हैं डी, तो यहां पर मुझे डी ऑप्शन बताया जा रहा है, ओके लेट्स सी देख लेते हैं डी ऑप्शन मिलना है तो देखो सिंपल, देखो जब आप करेंगे मल्टीप्लाई 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते चले जाओगे तो यू विल गेट 1, 3, 4, सिर्फ ऑड नंबर है इस बात का याद रखिएगा, देर आर ओनली ऑड नंबर्स आर देयर और कुछ भी नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर कोई और संख्या नहीं है, सिर्फ क्या है ऑड नंबर्स यहां लिखे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या होगा इसके लिए जी। राइट ऑप्शन क्या है 3, ओ माय गॉड सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, आप समझो मैंने ऑड नंबर दिया है, तो याद रखिएगा देयर इज ओनली 10, देयर इज ओनली 10, राइट ऑप्शन इज 0, देयर इज नथिंग, देयर इज नो 0 अवेलेबल इन दिस मोड। ओके याद रहेगा यहां पर कोई भी जीरो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बताओ, इकाई दहाई पर कौन सा जीरो बन जाएगा आप बताओ मुझे, कोई बन जाएगा आप में से या बनेगा दी, सो द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट, और दहाई के स्थान पर कितना बनेगा, सिंपल समझो दैट इज 10 ऑल, बस दैट इज ओनली 10,
ओके, देयर इज वन जीरो, देखो समझो, एक गुणा तीन गुणा पांच गुणा सात गुणा नौ, अप टू 25 तक है। तो मुझे बताओ यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, क्या मुझे पता लग सकता यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? कुछ नहीं बता सकते आप, क्योंकि पांच के साथ जब इवन नंबर आता है तभी इकाई का अंक जो है, कोई भी इवन नंबर हो तभी यूनिट प्लेस पर जीरो बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर है? एक तीन पांच सात नौ की अगर मैं बात करता हूं, एक पांच तीन सात नौ की बात करता हूं, तो यूनिट प्लेस पर जीरो तो कभी आएगा ही नहीं ना, तो यूनिट प्लेस पर तो जीरो हो गया। अब क्या करें? तो सिर्फ दाएं के प्लेस पर कब बनेगा? अगर मैं पांच की गुणा इस दो में कर दूं सिर्फ वन टाइम, दैट यू विल गेट वन जीरो। ओके, बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको मैं इकाई के अंक पर पूछता कि भाई सिर्फ अंत में पूछता, राइट ऑप्शन क्या था? जीरो। तो उसने बोला प्राप्त गुणनफल के दाएं और अंत में अंकों की शून्य, तो दाएं पर सिर्फ एक अंक तो आएगा जीरो, दाएं पर सिर्फ एक ही अंक तो आएगा भाई जीरो। जब इस फॉर एग्जांपल आप सोचो समझो बात को, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो दाएं के अंक पर एक ही अंक तो मिलेगा। आप बताओ जब मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर इकाई ढाई सैकड़ा हजार ऐसे तो आएगा, तो इकाई के अंक पर एक ही तो अंक आ सकता है, जीरो और थोड़ी कुछ आएगा। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अभी समझ में आया कि नहीं आया जी? अभी बात क्लियर है कि नहीं? यस के नो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सब लोग। दैट इज ओनली, याद रखना, लेकिन जब आप अदर मल्टीप्लाई करोगे, अदर नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम नंबर। तो राइट ऑप्शन क्या है? ओनली जीरो विल बी देयर, देयर इज नो जीरो एट द प्लेस ऑफ यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस। समझ में आ गई बात? क्योंकि दाएं पर सिर्फ एक जीरो बनेगा, लेकिन जब इनको जोड़ोगे तो दाएं का जीरो खत्म हो जाएगा ना, एक तीन जोड़ोगे उसमें। दैट इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नथिंग, ना ही इवन प्लेस पर जीरो आएगा, यूनिट प्लेस पर ना ही डेसिमल प्लेस पर। यूनिट पर तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में पांच पांच है, दाएं पर इसलिए नहीं आएगा, तो एक जीरो बन सकता था, लेकिन बाकी सब संख्याओं को जब जोड़ोगे मल्टीप्लाई, इट विल कन्वर्टेड टू अनदर वैल्यू। अगर बहुत सिंपल समझो, अच्छा मुझे एक बार बताओ, आप सिंपल एक काम करना आपको समझ में आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में एक से पच्चीस तक की गुणा कर लेना और इकाई और दाएं पर देख लेना, जीरो नहीं बनाएगा। देखो समझो, मैं फिर से बता देता हूं, डोंट वरी। आपको बोला सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर में जीरो यूनिट प्लेस पर कब बनता है? अगर पांच के साथ कोई भी इवन अंक है, यानी दो है, चार है, छह है, आठ है, खुद जीरो है, तो यूनिट प्लेस पर जीरो बन सकता, नहीं तो किसी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो जब ऑड नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इकाई के अंक पर जीरो आएगा? आपने कहा नौ, तो इसको मैं नौ कर दूं, तो यूनिट प्लेस पर तो कोई जीरो नहीं बना। अब दूसरे की बात करते हैं, कब जीरो बनेगा? जब आप पांच में दो की गुणा कर दोगे। आपने कहा ओके, पांच में अगर इस दो की गुणा कर दो तो कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। लेकिन बाकी जब सब संख्याओं को आप जोड़ोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यू कैन सी भाई सात की गुणा पांच में होगी पैंतीस आएगा, पैंतीस में दो की गुणा होगी तो सात आएगा, पैंतीस में दो की गुणा होगी तो जीरो बनेगा। अगेन जब आप सात की गुणा करोगे किसी भी नंबर की, एक गुणा तीन गुणा पांच गुणा सात गुणा ऐसे कर दिया, तो ये अंक तो पांच सत्तर पैंतीस दिया पचहत्तर, तो ये तो जीरो देगा ही नहीं ना यहाँ पर कभी भी, इस जीरो को तो खत्म कर दिया जाएगा ना। इसीलिए गुणनफल के दाई और अंत में क्या बचेगा? जीरो बचेगा दाई और अंत में, ठीक है ना। डेसिमल पर कुछ भी बचे, अगर वो डेसिमल बोलता कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर वो राइट साइड बोला, इसका मतलब वो यूनिट प्लेस पूछ रहा है बस मुझसे, तो इकाई का उसने दाई पूछा भी नहीं, ऐसे भी मैं दाई का बता रहा हूं आपको, तो उसने सिर्फ यूनिट प्लेस में पूछा है, तो यूनिट प्लेस में क्या है? इट विल बी जीरो। अब दाई के प्लेस में भी मुझे जीरो आएगा, ठीक है ना। उसने भाई उसने पूछा ना दाई और अंत में शून्यों की संख्या, दाई और अंत में इकाई का अंक होता है, इकाई में जीरो आएगा ही नहीं, तो कोई भी जीरो नहीं बनेगा। दैट्स इट, इतना भी समझ लो आप। ओके, अभी क्लियर हो गया? You can see here and the right hand side of the product. Right side में कितना आएगा? Right side में zero आएगा ही नहीं कोई भी, गुणा करने पर कभी zero बनेगा नहीं, इसलिए। Okay? एक और सवाल, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, तो एक और सवाल देखते हैं और जानते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। Let's see one more question. यदि n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे चार से भाग देने पर तीन शेष बचता है,
2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? सिंपल सवाल है. इफ n इज सच एन इंटीजर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4. अभी मैंने सवाल इस तरह का कराया है आपको, बस वहां पर नंबर नहीं दिया, यहां नंबर दे दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. इफ n इज सच एन इंटीजर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइड बाय 4. तो देखो भाई, एन कोई एक संख्या जिसको चार से भाग देने पर तीन शेष बचता है. तो मैं एन को अगर सात मान लूं और सात में चार का डिवाइड करूं तो तीन ही बचेगा ना. आप और भी मान सकते हैं, आपने कहा चार दोनी आठ और तीन ग्यारह भी ले सकते हैं. ग्यारह में अगर चार का डिवाइड करें तब भी तीन बचेगा. उसने बोले इस एन को टू एन कर दिया जाए, ये सात हो गया चौदह, चौदह बटा चार. ये ग्यारह हो गया बाईस, बाईस बटा चार. तो शेष क्या बचेगा? आपने कहा चार तीया बारह दो शेष, चार पंजे बीस दो शेष. तो आंसर क्या होना चाहिए? Yes, what will be the right answer from your side? That is 2 na. So, jab bhi aap isko divide karoge n ko, to aap kya aayega? That is always be 2. Kisi sankhya ko 4 se divide karne par, agar 3 se bacha hai, to aage wali sankhya par 2 shesh bachega. Bahut badhiya. Shabash. Ye samajh mein aa gaya sawal aapko? Bahut badhiya. Aise karte jao, to problem thodi hai. Sawal aaram se bante chale jayenge. Aage badhte hain. Ek aur sawal dekhte hain. Kya milta hai? एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर. बहुत बढ़िया, ये तो समझ में. सवाल अच्छे हैं, कोशिश करोगे तो यू विल लर्न अ लॉट और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है. चलो एक और सवाल समझते हैं. एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 559,981 प्राप्त किया जो त्रुटिपूर्ण था. इसमें दोनों नौ के अंक गलत है तथा शेष अंक सही है. सही उत्तर क्या होना चाहिए? एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना पाया. किसी संख्या से गुणा की होगी जो त्रुटिपूर्ण था. इसमें दोनों नौ के अंक गलत हैं तथा शेष अंक सारे सही लिखे हैं. तो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है. तो उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा, गड़बड़ नहीं होगी इसमें. लेट्स सी क्या मिलता है आपका जवाब, देख लेते हैं. उम्मीद करेंगे जवाब अच्छा मिलेगा. बड़ा आसान सवाल, अगर आप चाहेंगे तो एक बार में हो जाएगा. अगर आप चाहेंगे तो इट विल कंप्लीट इन वन टाइम. बस थोड़ा सा आपको सोचना है और आसान सवाल मिल जाएगा आपको. क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, तो लेट्स सी, देखो समझो कैसे कर सकते हैं इसको. उसने बोला 987 में किसी भी अंक की गुणा करने पर कितना आता है. यानी अगर मैं x का वैल्यू निकाल लूं तो कितना होना चाहिए? 559981. इसमें 987 का डिवाइड करना है. ऐसी संख्या आपको इनमें से, ये तो कटेगी नहीं 9 से क्योंकि गलत लिखा हुआ है, तो आपको इनमें से ऐसी संख्या लेनी जिसे जो 987 से पूरी पूरी कट जाए. भाई 987 से पूरी पूरी कट जाए तो अगर मैं पहली संख्या लिखता हूँ 555681 और इसको मैं 987 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा. यानी ऑप्शन नंबर एक एकदम करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है बात, समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्योंकि पहला ही नंबर आपको मिल गया जो सबको ये चेक करना है कि 987 से इनमें से कौन सी संख्या कटेगी. दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा. वी विल नॉट बी द राइट आंसर, राइट ऑप्शन विल बी ए. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल आसान है, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है भैया? आगे बढ़े जी. चलो एक और सवाल आपके समक्ष. 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 23 to 100 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6? वो आकांक्षा, काटने का नियम तो आपको पता है जी, सिंपल भाग कर दो. इससे बड़ी डिजिट से भाग ही करना पड़ेगा और कैसे काटोगे, क्योंकि बड़ी डिजिट में और कोई ऑप्शन नहीं होता. सिंपल डिवाइड करो क्योंकि ये कटेगी भी नहीं, कब तक चेक करोगे किसे कट रही है कि नहीं कट रही है.
23 से 100 तक की संख्याओं में 6 से पूरी कटने वाली संख्या कौन सी है? तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। अब इसके दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं, ठीक है ना। लेट्स सी, देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। जी आपको 6 से कटने वाली संख्या मुझे बतानी है, तो मुझे उम्मीद है आपका जवाब सही होगा। जी जी और उम्मीद आएगी आपकी तरफ से, उम्मीद की तरफ जगेगी और आंसर मिलेगा आपका। बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल है। अब देखो दो तरीके क्या हैं। पहले तो ये हुआ कि 23 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या कटती है? आपने कहा पहली संख्या कटेगी 24, फिर कटेगी 30, अप टू ऐसे कटेगी कितनी 90, यानी इनके बीच में 6 से कटने वाली संख्या ये है 6, 24, 30, 98। अगर मैं इसमें tn निकालू पदों की संख्या, तो क्या होती है? आपने कहा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है 24, प्लस एन कितना है पता नहीं, डी कितना है 6 का अंतर है, बराबर लास्ट टर्म कितना 90। तो 98 माइनस का 24 इजिकल टू 6n माइनस का 6, तो 8 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 6 इधर आ गया इजिकल टू 6, तो n इजिकल टू कितना हुआ 78/6 13। तो इसमें पद कितने होंगे 13, 13 संख्याएं। ये था बिल्कुल बेसिक रूप जिससे आप समझते हैं, जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। किसका फॉर्मूला है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का, ठीक है। अब क्या करें, एपी का फॉर्मूला था वो पता लगा। अगर आपको इससे नहीं करना तो क्या करते हैं, अगर किसी संख्या को आप एक से लेकर करें 1, 2, up to 100 तक, तो अगर उसका ए और डी बराबर है, यानी उसका पहला पद 6 ही होगा ना, उसका डी भी 6 होगा, क्योंकि अंतर 6 है और पहली कटने वाली भी संख्या 6 है, तो सीधा 100 को मैं डिवाइड कर दूं लास्ट वाली संख्या में। अगर मैं 100 में 6 का डिवाइड करूं तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या कटेंगी, 6 एकम 6 और 6 3 18 6 6 36, तो कुल मिलाकर के 16 संख्याएं कटेंगी। अगर आप 100 में सीधा 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक 16 संख्या कटेंगी, तो 1 से लेकर 23 तक कितनी संख्या कटेंगी? आपने कहा 23 में 6 का डिवाइड कर दिया, 6 3 18, 3 संख्याएं कटेंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी कट रही है 16 संख्या है, और 1 से लेकर 24 तक कितनी, 23 तक कितनी कट रही है? आपने कहा 3 संख्या है, तो इस वाले को निकाल दें, 3 घटा दें, तो 13 आंसर मिल जाएगा। चॉइस आपकी है, आपको ऐसे करना है या वैसे करना है। आप एपी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी साथी को भाई? लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए फिर। तो सब रेडी हैं, सब तैयार हैं? ओके वेरी गुड। तो चलो भी गुणा देखते हैं जवाब क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया है। 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? अच्छा सवाल है। 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी संख्याओं का योग बताना है। देखिए समझिएगा इस बात को। 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है? आपने कहा पहली 2 अंकों की संख्या जो 5 से कटेगी 10 है, और अंतिम 2 अंकों की संख्या जो कटेगी वो 95 है। सिर्फ 2 अंक है ना, 100 3 अंकों का हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? 5 से पहली कटने वाली संख्या 2 अंकों की 10 होगी, और 5 से कटने वाली अंतिम संख्या जो 2 अंकों की वो 95 होगी। तो अब हर संख्या आगे वाली 15 कटेगी, 20 कटेगी, अब को किया। अब क्या करें? अब हमने बताया 5 से कटने वाली संख्या निकालनी है आपको, तो वैसे करते हैं तो 19 5 95 में, तो लेकिन हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं पदों की संख्या पता होनी चाहिए, कितने पद हैं। तो मैंने क्या कहा, tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 95 लास्ट टर्म है, 10 पहला टर्म है, n पता नहीं,
और डी का वैल्यू 5 है, तो 95 इज इक्वल टू 10 प्लस 5n माइनस का 5, तो 5n इज इक्वल टू 95 माइनस का 5, 10 इज इक्वल टू 18, तो टोटल पद कितने 18 हैं। ये बात समझ में आ गई सबको जी, 18 टर्म हैं। अब इनका सम कैसे निकालें, सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या करें, एन कितना है 18 बटा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 18 माइनस का 1 इंटू 5, तो ये हो गया 9, तो क्या हुआ 9 इंटू 20 प्लस का 85, तो 102, 9 गुणा 105, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 जी, 17 का बी सी बता रहे हैं मुझे 1025, 1025 तो 1035 होना चाहिए, है ना, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया है, 2 ए 10 2 20 प्लस एन माइनस 1 18 माइनस का 1 इंटू डी 85 और 20 105, सही है 135, तो मैंने गलती कुछ जी, 18 तो पद मिल गए हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, कुछ गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर भाई, तो 15 तो 9 तो यहाँ पर आ गया, 20 17 पंजे 85 और 20 105, 9 की बना 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 बदल जाना चाहिए, एक मिनट रुकना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी सवाल में कहीं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, आप देखें एक भी, आप भी रिव्यू करो एक बार, मैं भी रिव्यू करता हूँ, कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सही है जी, तो 25 हाँ, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन, फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, 18 संख्या यहीं से देखो जरा एक बार, तो नहीं करो तो यहाँ कर दिया, तो 5 प्लस का 5 माइनस का 5 डन है 18, वो मैं देख रहा हूँ एक मिनट रुक जाइएगा, वो मैं चेक कर रहा हूँ भी, एन अपॉन टू 18 बटा 2 इंटू टू ए 10 दूनी 20 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 5, 17 पंजे 85, 85 प्लस 20 105, तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 945 आना चाहिए, आंसर मेरा गलत क्यों आ रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है, या ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, मैं देख लेता हूँ एक बार रिव्यू करके, वैसे गलत तो नहीं है ये, एकदम सही है, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें कुछ गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऑप्शन को एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए एक बार, 5n कैसे जी, ओके ओके ये ऑप्शन में गलती हो रही है, ठीक है ना, सही है सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये सही लिखा है, फिर से कर लो एक बार चाहे तो, ये ऑप्शन में कुछ देखो 10 15 20 25 अप टू मैंने चेक किया 95, तो अगर मैं पदों की संख्या निकालूं तो 18 तो आएगा, देखो टी एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू डी,
tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो होता है, तो tn कितना है, आपने कहा 95 इज इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस का n माइनस वन करें तो n तो हमें पता ही नहीं है, d कितना है 5 का डिफरेंस है ना, तो 95 इज इक्वल टू कितना 10 प्लस का 5 की गुणा इसमें तो 5n माइनस का 5, 95 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये वो 5 प्लस का 5n, अब 5 को इधर भेज दिया तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल टू 95 माइनस का 5, तो n इज इक्वल टू 90 बटा 5, 18 ही तो आया आंसर, 945 ऑप्शन में गलती है, इसमें 945 इसका आंसर आए, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, हाँ कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है इसमें, तो इसमें भी पॉसिबल जी, अगर वो हाँ तब हो सकता था, अगर वो सभी 5 अंकों की पूछता तो 2 अंकों की पूछता, अगर वो सभी 1 से लेकर 100 तक पूछता तब तो आ जाता, क्योंकि तब यहाँ 19 होता तब हो जाता, हाँ तो ये सवाल सही 945 सही है, ओके करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इट क्लियर गाइज, हाँ कोई समस्या नहीं है सवाल में, ओके डन नो प्रॉब्लम, राइट ऑप्शन सही, ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या होता है, मैं करूँ वो चेक तो मैंने कई बार कर लिया, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज द राइट आंसर, तो 945 क्लियर है, ओके डन, जिसको मैंने अलग से भी रिव्यू किया है कितना कितना है तब मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा था कि सवाल में शायद ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया किसी तरह से, ओके हाँ 18 का ई कर दो बिल्कुल अजीत, ओके तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने का, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा, कल फिर दोबारा से सेशन में मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।